सरयू नदी के कहर में हर वर्ष दर्जनों घर और सैकड़ों बीघे खेत समाहित हो जाते हैं। मऊ जनपद के बिंटोलिया गांव में सरयू के आगोश में समाहित हुए 32 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा बसाया गया। इनको अलग स्थान पर जमीन देकर बसा तो दिया गया, लेकिन वो एक वर्ष बाद भी अपने मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। बिंटोलिया गांव में पिछले साल कटान पीड़ितों का प्रशासन ने मदद किया। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर यहां बंधुआ में 32 लोगों को जमीन आवंटित करके यहां पर बसाया गया। प्रशासन द्वारा यहां पर 32 परिवारों को 25-25 कड़ी दे करके जमीन बसा दिया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहां पर ये अपना मड़ई डाल करके फूस की निवास करते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं अभी कम नहीं हुई हैं। इनका मकान बह गया था, जमीन बह गया तो यहां बसा दिया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी इनको कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। इनको केवल जमीन तो आवंटित कर दी गई, लेकिन न तो इनको अभी आवास मिला। इसके साथ ही यहां पर जो बिजली पानी की समुचित व्यवस्था है वहां पर कुछ नहीं हुआ। पानी के नाम पर यहाँ पर हैंडपंप तो एक लगवा दिया गया है, लेकिन बिजली की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। विगत वर्ष ग्राम धर्मपुर बिशुनपुर का एक मजरा है बिंटोलिया, यहाँ पर 30 परिवारों के घर बाढ़ के कारण जो विलीन हो गए थे उनको ग्राम मझौवा में सरकारी जमीन आवंटित करके उनको आवास आवंटित किया गया और उनको बकायदा वहाँ पर कब्जा दिला करके उनको बसाया गया है। इसकी सूचना संबंधित जो भी विकास विभाग है उसको दी गई है, उनके लिए वहाँ पे 2 हैंडपम्प भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो प्रस्तावित हैं और अतिशीघ्र उनका प्रस्ताव आवास से स्वीकृत हो जाएगा और वो अपना सरकारी पैसे से वहाँ पे अपना वो घर बना सकेंगे। यहाँ पर ये गांव से दूर आसपास कोई आबादी नहीं है, ये बसे परिवार हैं। अक्सर बता रहे हैं कि यहाँ पर जीव जंतु निकलते हैं, सर्प दंश कर लेते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। ये सोलर पैनल लेकर के यहाँ पर अपना उजाले की व्यवस्था करते हैं, लेकिन न तो इनको मिट्टी का तेल दिया जाता है, न कोई प्रकाश की समुचित व्यवस्था करवाई गई। ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए कम से कम बिजली की व्यवस्था तो कर देनी चाहिए, ताकि इस आधुनिक युग में ये अपनी दैनिक जीवनचर्या जैसे मोबाइल चलाना हो, तमाम चीज़ें हों और प्रकाश की व्यवस्था कर सकें। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह।